सभी मित्रों का महाराष्ट्र डेवलपमेंट चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं जहांगीर पैलेस, जो ओरछा में स्थित है, जो सबसे बड़े पैलेस में से एक है, जो सम्राट जहांगीर के लिए बनाया गया था, जो एक दिन के लिए बनाया गया था, जो हम अब देखने वाले हैं। यह है 3D व्यू। अब जा रहे हैं जहांगीर पैलेस। देखिए मित्रों, यह जहांगीर पैलेस का एंट्री पॉइंट है। यह प्रवेश आपको दिख रहा होगा, जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से एंट्री होती है। उसके बाद आप देखेंगे यह जो टिकट चेक की जाती है यहाँ पे। मित्रों, अभी बाकी का जो गाइडेंस है वो आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा दिया गया जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हम दिखाएंगे, जो सब हिस्टोरिकल होगा। मित्रों, यह एंट्री पॉइंट है। यह देखिए मित्रों, यह हाथी देखेंगे आप। उसके बाद ये सीढ़ी है ऊपर चढ़ने वाली। इसके बाद आप देखेंगे यह जहाँ पे फव्वारे होते रहते उस वक्त। यह देखिए जहांगीर पैलेस का दृश्य। उसमें आप देखेंगे इसकी हिस्ट्री, और उसके बाद यहाँ पे उस वक्त आंगन रहा करता था। और जहांगीर महल का ये भव्य आंगन भारतीय वास्तुशिल्प और सुंदरता के सबसे शानदार उदाहरणों में से एक है। 17वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में बनाए गए इस विशाल तिमंजिला महल की प्रत्येक दिशा की लंबाई 67 मीटर है। इस पर 8 सुंदर गुंबद हैं, जिनमें से 4 साधारण और 4 पट्टी वाले हैं। इसमें बने छोटे गुंबद और जालीदार खिड़कियां इसके आकर्षण और खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं। यहां आप 4 कोनों में स्थित बड़े गढ़ों को ध्यान से देखें। परंपरा के अनुसार महल के प्रत्येक कोने का एक अलग महत्व हुआ करता था। उत्तर पूर्वी कोने में प्रार्थना कक्ष था, उत्तर पश्चिमी कोना राजकोष के लिए था, दक्षिण पूर्व में रसोई और दक्षिण पश्चिम में व्यायामशाला बनाई गई थी। आंगन के बीचों बीच स्थित ऊंचे चबूतरे की सीढ़ियां नीचे एक टैंक तक जाती हैं। किसी समय इस स्थान पर एक फव्वारा हुआ करता था, जिसके पानी से गर्मियों के महीने में ठंडक मिलती थी। अपने चारों ओर अच्छी तरह से देखें, क्या आप छज्जों को संभाल रहे हाथियों की मूर्तियां देख सकते हैं? यहां आपको इस तरह के कुल 108 हाथी दिखेंगे, जो अपनी सूंड में फूल या घंटी ले जा रहे हैं। ये हिंदू शैली में बना स्वागत का दृश्य है। इन हाथियों के ठीक ऊपर और बालकनी के नीचे पत्थर पर नक्श ब्रैकेट आपको दिखाई देंगे। ये इस्लामिक शैली में बनाए गए हैं, इसीलिए इनमें किसी तरह की कोई सजावट नहीं है। उसके ऊपर इस्लामिक शैली में बनाए गए गुंबद हैं। इन गुंबदों पर फूल पत्ती, कलश, कमल और नारियल बने हुए दिखाई देंगे। इस तरह की आकृतियां अक्सर हिंदू मंदिरों में देखी जाती हैं। ये हिंदू और इस्लामिक मूर्तिकला का बेजोड़ संगम है। दक्षिण दिशा की दीवार पर आपको वी आकार की 2 असाधारण बालकनियां दिखाई देंगी। इन्हें गवक्ष कहा जाता है। ये राजपूत किलों में महिलाओं के कक्षों की बालकनी से मिलती जुलती हैं। पश्चिम दिशा की दीवार के साथ दिखाई दे रही ये सीढ़ी पहली मंजिल तक जाती है। ऊपरी मंजिलों के भीतरी हिस्से में कमरे, खुली छत और तिरछे रास्ते हैं। अगर आप तीसरी मंजिल तक चढ़ें तो आपको बेतवा नदी के अलावा शाही छतरियां और कई प्राचीन मंदिरों के सुंदर दृश्य दिखाई देंगे। ऐसा कहा जाता है
कि सम्राट जहांगीर ने अपने लिए बनाए गए इस महल में केवल एक रात बिताई थी। हालांकि इतिहासकार इस तथ्य को नहीं मानते। उनके मुताबिक पत्थर के कुछ शिलालेखों से पता चलता है कि इसका निर्माण करीब 40 वर्ष की अवधि में पूरा हुआ। संभवतः राजा बीर सिंह देव के राजा बनने से पहले निर्माण शुरू हुआ और बीर सिंह देव ने पूरा किया। इतनी मेहनत के बाद केवल एक रात महल में रहना एक रोमानी धारणा मालूम होती है। अगर आप राजा बीर सिंह देव और सम्राट जहांगीर की करीबी दोस्ती के बारे में जानना चाहते हैं तो पत्थर के इस बेंच पर बैठिए और एक 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 दबाइए। अन्यथा हमारे अगले पड़ाव जहांगीर महल के मुख्य द्वार पर जाने के लिए पूर्वी द्वार की ओर चलिए। मित्रों, आपने अभी हिस्ट्री देखी होंगी। जहांगीर पैलेस कैसा था, कौन कौन सी चीज़ें उसमें थी, कौन कौन से कमरे उसमें थे। अब आप देखेंगे जहांगीर पैलेस की हिस्ट्री, जिसमें कैसे राजा वीर सिंह जी थे जो ओरछा के महाराजा थे, और राजा जहांगीर जी थे जो मुग़ल सम्राट थे, उनकी अभी हिस्ट्री जानेंगे। उनकी फ्रेंडशिप कैसी थी, और उसके साथ साथ अब हम देख रहे हैं महल के अंदर की जो कमरे हैं वो देखेंगे। बहुत सारे कमरे हैं जो हम देखते जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम अब हिस्ट्री देखेंगे जो उनकी फ्रेंडशिप कैसी बनी और कैसी रहती है, ये चीज़ें देखते रहिए। मित्रों, ये देखिए जहांगीर पैलेस की हिस्ट्री जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बताई जाएंगी। अकबर महान के नाम से विख्यात अकबर सम्राट जहांगीर के पिता थे। अकबर के जीवन और समय को तीन खंड के अकबरनामा में क्रमबद्ध करने वाले अबुल फजल अकबर के पसंदीदा दरबारी थे। वे अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे। मुगल खानदान में ज्येष्ठाधिकार का रिवाज नहीं था, जिसमें पिता के बाद सबसे बड़ा बेटा अगला राजा बन जाता था। इसीलिए हर पीढ़ी में भाइयों ने एक दूसरे की हत्याएं की। जहांगीर के राजा बनने से पहले उन्हें राजकुमार सलीम के नाम से जाना जाता था। अकबर के करीबी दोस्त अबुल फजल ने सलीम को अकबर का वारिस बनाए जाने का विरोध किया। इससे सलीम ने नाराज होकर अबुल फजल की हत्या की साजिश रची। सन 1602 में जब अबुल फजल दक्षिण भारत के दक्कन से अकबर के दरबार आगरा में लौट रहे थे, सलीम ने बीर सिंह देव से ओरछा के पास किसी जगह पर अबुल फजल की हत्या करने की बात की। बीर सिंह देव सलीम की बात मान गए। उनकी सेना ने अबुल फजल के काफिले पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। राजा ने उनका सिर काटकर उसे इलाहाबाद राजकुमार सलीम के पास भेज दिया। सलीम बहुत खुश हुए। जब उन्हें सम्राट जहांगीर बनाया गया तो उन्होंने बीर सिंह देव को ओरछा और समस्त बुंदेलखंड का राजा घोषित कर एहसान चुका दिया, और साथ ही उन्हें महाराजा की उपाधि से भी सम्मानित किया। दशकों तक बीर सिंह देव को जहांगीर का संरक्षण और सहायता मिलती रही, जिससे ओरछा में शांति और समृद्धि आई। एक अफवाह ये भी उड़ी कि जहांगीर महल बनाने के लिए धन शाही मुगल खजाने से आया था। इस तरह एक सिर की कीमत पर बादशाह जहांगीर बीर सिंह देव के आजीवन भरोसेमंद दोस्त बन गए। मित्रों, आपने अब ये फ्रेंडशिप राजा वीर सिंह और जहांगीर जी की कैसी थी ये आपने देख ली। अब ये जो जहांगीर पैलेस है कैसा था ये आप देखेंगे। देखिए कलाकृतियाँ उस वक्त जो रूम्स थे वो मोस्टली एक जैसे ही थे। आप देखेंगे
ये मुगल शैली, उसमें ये जो है यहाँ से सैनिक जाया करते होंगे, यहाँ से नज़र रखी जाती होंगी। ये देखिए वहाँ से आपको पैलेस के अदर जो साइड थे वो दिखेंगे। वो अदर पैलेस है जो ओरछा फोर्ट में स्थित है, जो हम नहीं जा पाए कुछ कारणवश। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से गुप्त रास्ता दिख रहा है, यहाँ से ये खिड़कियाँ है जहाँ से देख पा सकते हैं कि अंदर बाहर क्या है, अंदर से बाहर कैसे देख सकते हैं, ये सब आप देख सकते हैं। ये गलियारा है पूरा, ये देखिए जहाँ से पैलेस जा रहा है, हम भी इस गलियारे में से गए थे। ये पूरा गुप्त मार्ग दिख रहा है। ये देखिए कलाकृतियाँ, पूरे स्टार्स बनाए हुए हैं कहाँ पे। ये देखिए ये ओरछा फोर्ट का कुछ हिस्सा गिरा हुआ है जो खंडर है, आप देख पा रहे होंगे। ये कलाकृति हर जगह आपको दिखेंगी। आगे आगे देखिए वो गलियारा कैसे कैसे दूर, बहुत बड़ा गलियारा है जो पूरे के पूरे जहांगीर पैलेस में दिखेंगा आपको, लेकिन हम कुछ हिस्सा ही जा पाए। बहुत सारे कमरे हैं उसमें, यहाँ पे जो दिए हैं, दिए रखे जाते होंगे उस वक्त, जो क्योंकि उस टाइम लाइट नहीं थी ना। ये देखिए ये मुगल शैली पूरी। आप चलते रहिए, देखिए आगे देखिए क्या क्या है। ये सीढ़ी से अपन ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा तकलीफपूर्ण था चढ़ना वगैरह, क्योंकि ऊंचाई इसकी इतनी थी कि अपन सोच सकते हैं कि उस वक्त कितने ऊंचे लोग रहते होंगे उसको, आज के कंपैरिजन में 6.5 फुट के ऊपर वो सैनिक रहते होंगे उसको। ये देखिए ओरछा पैलेस के खंडर आप देख पा रहे होंगे, ओरछा पैलेस के। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये दृश्य, ये देखिए खंडर। उसके बाद ये देखिए शाही जहांगीर पैलेस, ये शाही जहांगीर पैलेस है जो आप देख पा रहे होंगे। उसमें देखिए लोग जा रहे हैं, ये सीढ़ी है जो अपन स्टार्टिंग में देखे हैं उसको, यहाँ पे दिए रखते थे। ये देखिए कलाकृतियाँ ऊपर, सबसे ऊपर देखिए ये कलाकृतियाँ। उस वक्त ये देखिए यहाँ पे दिए लगाए जाते हैं, दिए रखने के लिए ये सब बनाया गया। ये देखिए जहांगीर पैलेस में ये पूरा दियो 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 से सजाया जाता हुआ उस वक्त। ये देखिए दिए को रखने के लिए भी सब वहाँ पे सब उन्होंने बनाया है। उसके बाद देखिए ये कलाकृतियाँ, हम देखते ही देखते जा रहे हैं, आपको इसमें मोस्टली कलाकृति देखनी है, कलाकृति कैसी रहेंगी। ये देखिए पूरा बहुत बड़ा है जहांगीर पैलेस, बहुत अच्छा बनाया था उस वक्त। ये देखिए इससे अपन अंदर जा सकते हैं, अभी हम अंदर जा रहे हैं। ये देखिए कुछ का कुछ लिख रहे कुछ भी दिखते जा रहे हैं। ये देखिए सुंदर ऐसा आप दिखेंगे अभी यहाँ से एंट्री हम लेते हुए। ये बीच में हमको ईगल दिख गया तो हम ईगल देखते रह गए। ये देखिए ओरछा फोर्ट की जहाँ से हम लोग, ये देखो दीवारें है पूरे, उसके बाद जहाँ से हम एंट्री लिए थे वो वाला एरिया, बहुत बड़ा एरिया है। आप देखते रहिए, देखो पूरी जंगल जैसा आप लोग दिख रहे होंगे। ओरछा सिटी वैसे बड़ी नहीं है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे ये जो पैलेस है ये बहुत बड़ा था। बुंदेलखंड के जो महत्वपूर्ण राजा थे, महाराजा थे, वो ये ओरछा के वीर सिंह जी थे, जो जहांगीर जी के जो सम्राट मुगल सम्राट थे उनके खास मित्र थे। बहुत सारे रहस्य से भरा हुआ यह फोर्ट है, यह जहांगीर पैलेस, इतना बड़ा जहांगीर पैलेस उस वक्त कितना सुंदर दिखता होगा।
आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। इतने सारे सज्जे, उसके बाद इतने सारे दिए लगाए जाते होंगे। ये देखिए दिए रखने का वो सब, उस वक्त स्टैंड वैंड वगैरह नहीं रहते हैं, ऐसे ही वो सब वो हाथ से तैयार किए हुए कलाकृतियों पर सब। ये देखिए कलाकृति स्टाइल्स उस वक्त की, ये देखिए स्टाइल्स पूरा कलर में रहता हूँ उस वक्त। बहुत साल हो गए ना इसको, जहांगीर का वक्त मतलब बहुत पुराना वक्त, उस इतना पुराना जहांगीर पैलेस है। अब आपको कुछ हिस्ट्री थोड़ी बताए जाऊंगा जो बहुत सुंदर है। आपने देखा होंगे जहांगीर पैलेस औरंगाबाद में भी है, जहांगीर पैलेस औरंगाबाद नहीं आगरा में भी है। औरंगाबाद में तो पता नहीं हमें, अभी तो अभी जाने की है वहाँ पे, अभी फिलहाल आगरा में है, दिल्ली में है, उसके बाद ग्वालियर में है, ग्वालियर में हमने देखा। अब आगे वाले वीडियो में अपन ये देखिए चतुर्भुज टेम्पल गए अभी जस्ट, ये देखिए सुंदर ऐसे कलाकृतियाँ जालीदार वर्क यहाँ पे किया गया है, पूरा जालीदार वर्क किया है उन्होंने। ये देखिए ये सुंदर पॉइंट है, ये बहुत सुंदर पॉइंट है। आपको सब एक जैसी दिखेंगे लेकिन ये डिफरेंट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और एक जैसे मतलब कमरे भी मिलते जुलते दिखेंगे आपको, लेकिन कलाकृति में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस है उसमें, ज़्यादा नहीं। ये जालीदार वर्क वो आपने थोड़ी देर पहले भी दिखे, यहाँ पे भी आपको जालीदार वर्क दिखेंगे, स्टार्स है। उसके बाद ये देखिए अभी यहाँ पे गाड़ियाँ लगा दी, कार लगाई हुई है हमने वहाँ पे। ये देखिए राजा पैलेस दिखेंगे, चतुर्भुज टेम्पल है वो, जो चतुर्भुज टेम्पल दिख रहे होंगे आप, मतलब सुंदर कलाकृति, ऐसे कलाकृति मतलब ये बहुत सुंदर, ऐसे आप देखेंगे फोटो फ्रेम देखिए कितना सुंदर दिखता फ्रेम में, बहुत सुंदर है। अनुभव एक विशिष्ट था इस वक्त का, जो मैंने बहुत सारे पैलेस देखे उनमें से अच्छे पैलेस में से एक था। झांसी में भी आपको देख नहीं पाएंगे आप, झांसी में भी नहीं है इतना बड़ा पैलेस। ये जो थे ना, ये झांसी के महाराजा के महाराजा थे, झांसी में तो राजा नहीं थे, ये किलेदारी थे उस वक्त जहांगीर के वक्त, एक किलेदारी थे, ये उनके महाराजा थे, बुंदेलखंड के महाराजा, ऐसी बात। चलो मैं मित्रों अपने इतने वीडियो को देखा इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे का वीडियो देख सकते हैं, उसमें और एक दूसरा पैलेस भी है, एक पैलेस है उसका नाम तो हमने देखा नहीं है, ये भी एक पैलेस रहा करता था, उनके थोड़ा देखते हैं। इसे राय परवीन महल भी कहा जाता है, जो अभी आपने जस्ट देखा है, ये राय परवीन महल है जो ओरछा के रिलेटेड। इसी के साथ इस वीडियो का हम अंत करते हैं और हम अब देखेंगे थोड़ा, बस लास्ट है, बस ये अभी एंड है इस वीडियो का, जहांगीर पैलेस अब एंड हो चुका है। ओरछा पैलेस, ओरछा फोर्ट की पूरी सीरीज का ओरछा फोर्ट एंड हो चुका है। चलो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे हाथी जो स्तंभों के ऊपर बनाए गए हैं, उसके ऊपर स्तंभ टिके हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों वीडियो देखने के लिए, आगे भी सीरीज देखते रहिए।